अभी जो ये वाटर लॉकिंग न्यूज़ गाड़ी है, हम लोग इंजन का पूरा काम करेंगे। और पहला बात है ब्लॉक जो है, ब्लॉक को हम लोग सही से वेरिफिकेशन कर लिया और पूरा सफा हो गया। ऑयल गैलरी जो है वो भी पूरा क्लीन हो गया। नट बोल्ट का जो जगह है वो पूरा चेक कर लिया। और इसमें अलग से ऑयल जेड साइड से जो लगा हुआ रहता है वो नहीं है, वो ऑयल जेड का काम इसमें होता है। ये है ऑयल जेड, इसको एकदम सही से क्लीन करना है, नहीं तो संग संग इंजन सीज कर जाएगा। ये एक दो तीन और चार, चारों जो ऑयल जेड है इसको सही से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद क्रैंक हम लोग फिट करेंगे। ये हम लोग का क्रैंक आ गया, क्रैंक भी पूरा क्लीन है। क्रैंक को फिट करने के बाद ही पिस्टन फिट होता है, उसका आगे हम लोग गियरिंग सेटिंग करेंगे। हम लोग चोक कप से पूरा क्लीन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा करके इसको क्लीन करना है। अभी हम लोग जो बियरिंग है ब्लॉक में जो सेटिंग होगा, ये बियरिंग हम लोग सही से, ये जो स्लॉट है ये स्लॉट के अंदर में ये जो उभरा हुआ पोर्शन है ये इसमें सेटिंग होगा। सही से सेटिंग करेंगे, उसके बाद क्रैंक फिट करेंगे। और एक बात है, सेटिंग करने के आगे थोड़ा ऑयलिंग कर लेंगे। और ये जो जेड है, ये जेड के अंदर भी अंदर में थोड़ा ऑयल दे देंगे। इस टाइम इंजन स्टार्ट होता है उस टाइम जल्दी से ऑयल जो है गैलरी के अंदर में सर्कुलेशन होने का आ गई, थोड़ा लुब्रिकेटिंग होना चाहिए, इसके लिए थोड़ा बहुत ऑयल हम लोग दे देंगे। और यह है थर्स्ट वाशर, एकदम ध्यान से इसको लगाना है। थर्स्ट वाशर जो है वो फिटिंग करने का सिस्टम है, ऐसा पोजिशन में थर्स्ट वाशर कभी भी ये जो चीज़ है ऐसा करके फिटिंग नहीं करना है। ये जो स्लॉट है ये ऑयल गैलरी का काम करता है, ये ऑयल गैलरी का जो पोजीशन है वो ऐसा करके फिटिंग करना है। उधर में जो क्रैंक है, क्रैंक पूरा फिट करेंगे और बहुत सावधानी से फिट करेंगे। और यहाँ पे जो फर्स्ट वाशर है ये भी हम लोग फिटिंग कर दिया, बियरिंग भी पूरा चारों फिटिंग कर दिया, थोड़ा लुब्रिकेटिंग हो गया। अभी क्रैंक जो है हम लोग बहुत सावधानी से फिटिंग करना है, नहीं तो फास्ट वाशर गिर जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। फास्ट वाशर भी एकदम सही प्रॉपर बैठा हुआ, अभी हल्का करके इसको घुमाएंगे। बस एकदम पूरा सेटिंग हो गया, फास्ट वाशर को ऐसा करके सेटिंग कर देना है। बस अभी इसको कैप लगाएंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा लुब्रिकेटिंग करना है, थोड़ा ऑयल देना है। ये जो गैलरी है ऑयल गैलरी, ये गैलरी के अंदर थोड़ा ऑयल दे देना है हर गैलरी में। हम लोग जो कैप है क्रैंक का कैप बियरिंग जहाँ पे फिट रहता है पूरा फिटिंग हो गया। और एक बात है, यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार और यहाँ पे पांच नंबर लगेगा। अभी जो है थोड़ा ऑयलिंग हो रहा है। और ये जो मार्किंग है एरो मार्क हर टाइम ये टाइमिंग की तरफ रहेगा। ये जो एरो मार्क 1 2 3
पूरा टाइमिंग की तरफ रहेगा। ये 12 नंबर का, इसमें 12 नंबर का बोल्ट लगता है, बोल्ट जो है ऐसा वाला बोल्ट, और सही से हम लोग ये टॉर्क रेंज है, दोनों टॉर्क रेंज इधर दो टॉर्क रेंज, ये टॉर्क रेंज से टाइट करेंगे और हम लोग का जो टॉर्क है टॉर्क से टाइट करने के बाद फिर ऊपर में फिटिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी जो है टॉर्क से हम लोग सेटिंग करेंगे, 20 न्यूटन मीटर टॉर्क देना है पूरा, और टॉर्क जिस टाइम यूज़ करना है उस टाइम एकदम एक बार सिर्फ, दोबारा देने से टॉर्क भी ख़राब होता है और जो बोल्ट का टॉर्क का स्पेसिफिकेशन है वो भी गलत हो जाता है। और इसके बाद हम लोग ये जो डिग्री है डिग्री से हम लोग टाइट करेंगे, डिग्री 90 डिग्री में टॉर्क हम लोग देंगे। ये जो हम लोग डिग्री देंगे जीरो में सेट किया, अभी 90 तक हमको लेके जाना है, ये 90 जीरो से 90। अभी हम लोग जो है क्लॉक आइस घुमाएंगे, ठीक है दे रहा है? पाइप तो थोड़ा पाइप ये छोटा पाइप हो गया था, इसके लिए टॉप ज़्यादा लग रहा था। एक नंबर डिग्री हो गया, पुश करो जीरो और अभी 90 में डिग्री जाएगा। अभी हम लोग जो जीरो से स्टार्ट किया और यहाँ पे 90 तक लेके जाएंगे। पकड़ो इसको, तुम पकड़ो ना, तुम बस हो गया। ऐसा करके हम लोग एक दो